जय हिंद फ्यूचर ऑफ इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे हम लोग आईएफएल इंटरप्राइजेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। आईएफएल इंटरप्राइजेस के बारे में 2-3 दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने कंपनी के जो बोनस और डिविडेंड का अनाउंसमेंट हुआ है उसको लेकर जानकारी दी थी कि बोनस और डिविडेंड का कंपनी अनाउंसमेंट करने की विचार कर रही है। बहुत जल्द आपको अपडेट देगी कि बोनस कितना मिलेगा, किस रेशियो मिलेगा, डिविडेंड कितने रुपये मिलेगा। तो ये जो चीज़ें हैं बोनस और डिविडेंड वाली, ये जैसे मैंने बताया कि अभी इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये विचार किया है कि देना है, अभी इसको लेकर अप्रूवल नहीं आया है या कोई डिसाइड नहीं हुआ है कितना रुपया, कितना बोनस या कितना रुपया डिविडेंड मिलेगा। ये जब न्यूज आएगा तो मैं आपको इसके बारे में जरूर अपडेट करूंगा। बहुत से लोग इस बात को लेकर नाराज हैं कि चूंकि अभी अपडेट नहीं है तो अभी मैं क्यों बता रहा हूँ। अरे भाई, मैंने बताया था क्योंकि इसके बारे में बातचीत चल रही थी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की तरफ से, एक्सचेंज को ये इन्फॉर्मेशन दी गई है कंपनी विचार कर रही है। जब भी कंपनी विचार करती है कोई भी कॉर्पोरेट एक्शन करने के लिए, तो उससे पहले जो बीएससी एक्सचेंज या एनएससी एक्सचेंज उसे इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो ये कंपनी ने इन्फॉर्मेशन दिया था तो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी। यह वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि कंपनी के क्वार्टर वन के नतीजे आ गए हैं। 2024-25 फाइनेंशियल ईयर के जो पहला क्वार्टर का रिजल्ट है, जून क्वार्टर का रिजल्ट, वो कंपनी ने पब्लिश कर दिया है। तो इस वीडियो में हम लोग मेन फोकस जो करेंगे, कंपनी का जो क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है उस पर फोकस करेंगे। आपको बताऊंगा कि रिजल्ट कैसे आया है और इस रिजल्ट के बेसिस पे अब आगे इस कंपनी के शेयर प्राइस में क्या मूवमेंट हो सकता है। क्वार्टर वन का रिजल्ट क्यों मायने है, क्योंकि कहा जाता है कि उगते सूरज से दिन का पता लगता है कि कैसा दिन होने वाला। तो एक साल में फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के 4 क्वार्टर के रिजल्ट आते हैं। तो मान लीजिए अगर क्वार्टर वन का रिजल्ट अच्छा आ रहा है, पहला क्वार्टर रिजल्ट, तो हम अनुमान लगाएंगे आने वाले जितने भी क्वार्टर्स के नंबर हैं सभी अच्छे आएंगे। तो क्वार्टर वन का जो रिजल्ट है ये ठीक है, अनुमान से कहीं ना कहीं बेहतर ही रिजल्ट आया है, मैं आगे आपको दिखाऊंगा। तो इस रिजल्ट के बेसिस पर मान के चल सकते हैं कि आने वाले और भी जो नंबर होंगे ठीक आएंगे, क्योंकि कंपनी मजबूती के साथ आगे बढ़ते हुए दिख रही है। यही वजह है कि जब आप बीएससी इंडिया पे, इंडिया की वेबसाइट पे आप इस कंपनी को देखते हैं, तो आपको देखने को मिलेगा कि जैसे ये रिजल्ट आया तो रिजल्ट के बेसिस पे क्या हुआ कि कंपनी में अपर सर्किट लग गया और कंपनी ने अपर सर्किट टच कर लिया। यहाँ पर देखेंगे 14 अगस्त के दिन, यानी कि कल के दिन जब मार्केट ओपन था, तो रिजल्ट आने के साथ ही, रिजल्ट आने वाला था तो पता तो था। देखिए ये क्या होता है, जो इंटरनल सोर्स होता है उनको पता होता है रिजल्ट कैसा आ रहा है, ये बात सभी जानते हो। खासकर छोटे स्टॉक्स में तो ये किसी छुपा हुआ नहीं होता है। तो यार पहले जहाँ क्या होता है कि लोअर सेक्ट में बीच बीच में लग रहा था, बना हुआ था माहौल कैसे रिजल्ट आया कैसे रिजल्ट आया, लेकिन जब रिजल्ट अच्छा आया उसके बाद कंपनी ने पकड़ा अपर सर्किट और एक शानदार तेजी से स्टॉक में देखने को मिली। और ये जो तेजी है ये आगे भी आपको शानदार ही देखने को मिलेगी, क्योंकि अब जो है ये बात आप समझिए कंपनी प्रॉफिट में आ गई और प्रॉफिट में आने के बाद कंपनी का बैलेंस शीट भी कहीं ना कहीं मजबूत होते हुए दिखा है। तो चलिए अब सीधे चलते हैं हम कंपनी के क्वार्टर वन के नंबर पर, और क्वार्टर वन के नंबर पर आपको बताता हूँ कंपनी का रिजल्ट कैसा है। उसके पहले यहाँ पर देख लीजिए कॉर्पोरेट एक्शन में देखेंगे तो जो बोनस और डिविडेंड को लेकर अभी बातचीत चल रही है वो फिक्स नहीं हुआ है कितना मिलेगा कब मिलेगा। इसलिए यहाँ पे अभी 17 मई के बाद कोई नया अपडेट नहीं है, क्योंकि लास्ट जो इसका अपडेट था राइट इशू को लेकर था, राइट इशू हुआ था, उसके बाद जैसे बोनस और डिविडेंड वाले बात निकलकर सामने आ जाएगी तो यहाँ पे बोनस और डिविडेंड का भी अपडेट दिखने लगेगा। अब आ गए हम लोग कंपनी के क्वार्टर्स के नंबर पर। देखिए क्वार्टर का रिजल्ट ये रहा सेल्स, किसी भी कंपनी के जब क्वार्टर्स के नंबर देखते पहले देखते हैं सेल्स। सेल्स यानी कंपनी यदि कोई प्रोडक्ट बनाती है तो कितना प्रोडक्ट बेची या कोई सेवाएं देती है तो सेवाएं, उस सेवा का लाभ कितने लोगों ने लिया, उससे मोटा मोटी कितना कंपनी की कमाई हुई। तो यहाँ पे देखिए ये जो कंपनी है जून क्वार्टर यानी क्वार्टर फर्स्ट का रिजल्ट देखेंगे तो इसमें कंपनी का जो टोटल सेल्स हुआ है 15 करोड़ 30 लाख के आसपास हुआ है। आप ओवरऑल शुरू से देखिए इस कंपनी के किसी भी क्वार्टर्स के नंबर उठा के देख लीजिए, कभी भी इतना बड़ा कंपनी को सेल्स नहीं हुआ था। बहुत बड़ा जैक हाथ लगा इस बार इस क्वार्टर के रिजल्ट में कंपनी को, तकरीबन 15 करोड़ का सेल्स एक छोटी सी कंपनी के लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि 15 करोड़ आप देखेंगे तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और ये टोटल नंबर मिला ले अभी तक का तो शायद ही कंपनी का 15 करोड़ का नंबर पुगेगा, नहीं पुगेगा इतना बड़ा नंबर। तो इस रिजल्ट के बेसिस पर कह सकते हैं कंपनी कहीं ना कहीं मजबूत हो रही है। और सिर्फ सेल्स के बेसिस पर मैं नहीं कह रहा हूं, क्योंकि सेल्स तो हुआ ही है, सेल्स बढ़ने के साथ कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है, जो पहले लॉस में था वो कंपनी लॉस में अभी भी है। लेकिन देखिए पहले 88 लाख के आसपास कंपनी लॉस में थी, 88 लाख का लॉस कम करके सिर्फ 2 लाख के आसपास कंपनी का ये रह गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो मेन बिजनेस से कमाई होती है। यहाँ पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी आपको कहीं ना कहीं इसमें भी सुधार होते हुए दिखा है। मेन चीज है कि कंपनी का जब आप यहाँ पे देखेंगे नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट भी कंपनी का कहीं ना कहीं बढ़ते हुए दिखा है। नेट प्रॉफिट क्या होता है, टैक्स वॉस देने के बाद कंपनी के पास जो पैसा बचता है उसको नेट प्रॉफिट कहते हैं। टैक्स अगर कंपनी नहीं देती ना तो कंपनी के पास जो ओवरऑल यदि प्रॉफिट होता तो वो प्रॉफिट आपको तकरीबन यहाँ पे 26 लाख के आसपास होते हुए दिखता। ये रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेकिन टैक्स देने के बाद हैवी टैक्सेस होता है हमारे देश में, आप सभी जानते हैं। टैक्सेस की वजह से कोई भी नया कंपनी स्थापित नहीं करना चाहता इंडिया में, विदेशी लोगों में बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जो नेट प्रॉफिट है टैक्स देने के बाद बचा 11 लाख, जो कि पहले 54 लाख के आसपास कंपनी लॉस में थी। 54 लाख का लॉस मैनेज करके 11 लाख के प्रॉफिट माना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसकी वजह से देखेंगे तो जो कंपनी का कैश फ्लो होता है आपको अब कहीं ना कहीं जाके इसमें सुधार होने लगा। पिछले क्वार्टर से कैश फ्लो में सुधार होने लगा था। ये रहा कैश फ्लो।
ये कैश फ्लो जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लोग और उसकी वजह से कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो बढ़ रहा है, वो देखिए यहाँ प्रॉफिट में आ गया है। और ओवरऑल जब हम बैलेंस शीट देखते हैं तो बैलेंस शीट में आप देखेंगे कि कंपनी क्या था कि मार्च क्वार्टर के तक 30 लाख के आसपास कंपनी घाटे में थी। हालांकि अब ये जो रिजल्ट आया तो जो यहाँ पे जून क्वार्टर का आप देखेंगे, हालांकि जून क्वार्टर शायद अपडेट नहीं हो, लेकिन अगले जब भी ये अपडेट होगा तो ये जो लॉस में थोड़ा बहुत लॉस में नहीं कर्जा है जो 30 लाख आसपास, ये कर्जा नहीं रहेगा, कंपनी एकदम डेट फ्री होकर रहेगी। और प्लस जो कंपनी के पास रिजर्व होता है, जो फ्री कैश फ्लो होता है, जो कि अभी सिर्फ 74 लाख के आसपास है, या भी आपको डबल डिजिट में आते हुए दिखेगा, कुछ करोड़ों में आते हुए दिखेगा। रिजर्व पैसा होना कंपनी के पास बहुत जरूरी है, क्योंकि बुरे वक्त में कंपनी इसी से सस्टेन करती है। तो ये ओवरऑल अभी तक आपने क्या समझा कि जो कंपनी के क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है उसमें कंपनी का क्योंकि सेल्स बढ़ा है, और सेल्स तो पिछले कई क्वार्टर से बढ़ रहा है, लेकिन इस बार जो सेल्स हुआ है वो जबरदस्त हुआ है, और सेल्स जबरदस्त होने के साथ कंपनी का जो प्रॉफिट है प्रॉफिट भी जबरदस्त हुआ है। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि आने वाले जितने भी क्वार्टर के नंबर हैं सबके रिजल्ट लगभग ऐसे ही ग्रोथ के साथ आपको देखने को मिलेंगे। और चूंकि इस कंपनी में आप देखते हैं तो ऐसा नहीं है कि अन्य जो पेनी स्टॉक्स होते हैं उनके तरह इसमें प्रमोटर्स की हिस्सेदारी बहुत कम है, इसमें तकरीबन 3% के आसपास प्रमोटर्स हैं। यानी कि एक छोटी सी कंपनी में जिसमें प्रमोटर्स की मात्रा ठीक ठाक है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि प्रमोटर्स होते हैं तो उन्हें चाहेंगे कि अपने कंपनी का रिजल्ट खराब है या कंपनी का कोई भी डाटा, फाइनेंशियल डाटा या शेयर प्राइस में भी जो ग्रोथ है वो उसमें कमी आए। तो ओवरऑल बात यह है कि फ्रैंक लाइन इंडस्ट्री जो कंपनी है, ये देखिए काम के हिसाब से भी देखें तो लॉन्ग टर्म में कंपनी का जो काम धाम है उसकी डिमांड रहेगी, इसके हिसाब से भी शेयर प्राइस में ग्रोथ बने रहने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूँ जो जानकारी मैंने दी आपको समझ में आया होगा, वीडियो पसंद आई होगी। मन में कोई सवाल है कमेंट में जरूर पूछिएगा। वक्त देने के लिए आपका शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।